112 जो है मौके पर पहुंच जाती है, 112 जो है वो मौके के ऊपर पहुंच जाती है, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं शीशा जो है वो गाड़ी का जरूर टूटा है। 112 को जानकारी मिलते ही, 112 को जानकारी मिलते ही देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो 112 की गाड़ी है वो मौके पर ज़रूर पहुंच जाती है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। 112 आते ही अब जो है वो पुलिसकर्मी जो गाड़ी चला रहे थे वो नीचे उतर जाते हैं, अब उतरे हैं। देखिए जो अब फिलहाल आप देख सकते हैं, अब ये डायल 112 के आने के बाद जो है वो नीचे ज़रूर उतर चुके हैं। पुलिस की तमाम टीमें देख सकते हैं लगते ताने से भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और कॉलेज के बच्चे भी देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोफेसर हैं, उनके कॉलेज के प्रोफेसर हैं और यहाँ पर अब बातचीत जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लो आपकी प्रेशर बना रहे चौकी में जाने के लिए। आपने किया था भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, क्या बात होगी? हाँ। मेरी गाड़ी जो थोड़ी खड़ी थी और भाई साहब पीछे से आके गाड़ी आकर ले आई मेरे को, तो मैं कहा जाऊंगी इतनी देर में रेड लाइट को ग्रीन लाइट होगी, मैं चल दिया भाई साहब ने गाड़ी नहीं रोकी, रोक दी मैंने गाड़ी भाई साहब, गाड़ी उस कैमरे में आ जाएगी, उस कैमरे में आ जाएगी, मैंने गाड़ी रोक के खड़ी कर दी, कैमरे में आ जाए कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, कोई इशू नहीं सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी है ना, मेरे फिंगर प्रिंट वगैरह मेरी सुन लो, इन्होंने अभी जैसे पुलिस वाले आरोप लगाते हैं जब वो गलत काम करते हैं, इन्होंने अपने ये बयान दिया था अभी रिकॉर्डिंग में है कि मैंने इनका गला पकड़ा, अगर मैंने इनका गला पकड़ा तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, अगर मैंने इनका टच भी नहीं किया गले को तो इनको ये झूठा आरोप लगाने के जो भी धारा बनती है वो इनके ऊपर लगनी चाहिए। सर आप एक बार नहीं मतलब पुलिस 112 मौके पर पहुंच जाते हैं, और बच्चे किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोफेसर की गाड़ी के साथ इस तरह से सर इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो पॉसिबल अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई इशू है तो अब भी ऐसे रहा है, अब भी ऐसे रहा, आप देख लो वहाँ जाके देखने की टोली करी 15 मिनट होली, एक बार उतर गई देता जी गलती होगी मैं चला जाता, हंसने लग गया। हाँ जी भाई साहब गलती मान लेता ना मैं चला जाता, हंस रहा है उतर हमने बोला जो करना अगर लग गया तो थाने में चलो, थाने में किसी ने चलू नुकसान होगा पर भाई हो जाएगी, मैं ऊपर नीचे उतर के देख लो। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ मेरा देखे वहाँ जाके जो मैं जब का रिक्वेस्ट कर रहा था, आप कहने के बाद ही उतरा है, अब वहाँ जाके देखे अब जो मेरा नुकसान पूरा कर दे, मेरी दुश्मनी थोड़ा इसी कोई आपके मैं दुश्मन थोड़ा है। देखिए किस तरह से प्रोफेसर हैं कॉलेज के, उनका कहना है कि मेरे को प्रोफेसर जो का काम है और मैंने कॉलेज जाना है और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मेरा जो है एब्सेंट लग जाएगी, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं इनोवा गाड़ी का शीशा जो है वो हल्का सा ब्रेक हुआ था, जिसके बाद इतना बवाल जो है वो हो जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम ये लोग देख सकते हैं समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से अब अपनी गाड़ी छोड़ कर खुद यहाँ से आप देख सकते हैं छात्र भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर अब शरीर पे कहीं भी मेरा फिंगर प्रिंट पा जाए तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, झूठा आरोप क्यों लगाया उसके लिए सॉरी बोल, और किस लिए सॉरी बोलूं मैं, मैंने गला पकड़ा है, सुनो मेरी बात, एक मिनट मैंने गला पकड़ा है, अगर मेरी गलती है तो थाने में गला पकड़ा की बात ही खत्म, मैंने गला पकड़ा आपका, एक मिनट क्लियर करो, बचाओ मैंने गला पकड़ा क्या आपका ये बता दो एक बार, मैंने पकड़ा बस अगर मेरी इसके शरीर में कहीं फिंगर प्रिंट है मेरी सजा होनी चाहिए, नहीं तो इस ओवर के देख सकते हैं कहीं ना कहीं चौकी को ले जाने के लिए बातचीत जो है वो करते हुए नजर आ रहे, पर प्रोफेसर का कहना है कि मेरे को कॉलेज जाने में लेट हो रहा हूँ, मेरी क्लास है मैं नहीं जा सकता। ये देखिए किस तरह से लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, ये हल्ला जो है वो हो जाता है। अपील आप सभी से इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँच जाती हैं।
फिलहाल आप देख सकते हैं अब यहाँ पर गाड़ी क्यों बेचते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हालांकि कंप्लेनेंट जो है वो पीछे ट्रक वाले कंप्लेनेंट हैं, ये कंप्लेनेंट हैं, और जो जिनके साथ हुआ है वो गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है। गलती करी, उसकी माफी मांग रहे हैं भाई। ये बोल रहा है सर, इतनी बड़ी बात ही नहीं है, यहाँ पे कर लो आप। सर इतनी बड़ी बात नहीं है, आप चौकी में जाओगे, हल्का सा कुछ भी नहीं है, वो ठीक करवा दो उसको। तभी तो कह रहा हूँ कुछ नहीं है, यही कर लो, बिल्कुल इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अगर आप इसको ठीक करवा दो तो कार्रवाई करवानी है। ये देखिए, समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, पर वो कहीं ना कहीं जो ये टैम्प ट्रक चालक है उनका कहना है कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा। मैं आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रोफेसर जो है गाड़ी को अब छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे को कॉलेज में जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, 112 कहीं ना कहीं बयान लेते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक करवा दिया गया है शीशा, और यहाँ से अब वो प्रोफेसर जो है वो जाते हुए। सर क्या कुछ जानकारी? सर सेटिस्फाइड है आप? इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मेरे सर, सेटिस्फाइड कुछ भी लगा। ठीक है सर, क्या जानकारी आई थी यहाँ पहुँचे थे आप? ये जो प्लास्टिक का शीशा जी था, ये हल्का प्लास्टिक का था, टच होने से निकल गया था जी, और इसमें ना कोई पेंच लगा हुआ है ना कुछ, उसको वापस एक ही मीडिया के कर्मचारी ने उसको हल्का लगा दिया जोर से और वो ठीक हो गया जी। इतनी ही बात थी, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। अभी कार्रवाई जा रहे हैं, अब बाद में अब मना भी कर दिया, बोले हमारा ठीक हो गया, हम जा रहे हैं। सर छोटी सी बात थी, बड़ा बवाल बन गया उसका। ठीक हो गया, मेन मुद्दा ये था कि पब्लिक परेशान होगी जाने जाने वाली। ट्रैफिक की स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो पुलिस का टेम्पो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो पुलिस की गाड़ी थी ये जी, सेक्टर 12 की तरफ से, पीछे की तरफ से आया था। टक्कर भी हुई उनके साथ? उसमें ये बोल रहा था कि भाई ये हाजिरी लगाने की जल्दबाजी में था, इनोवा गाड़ी थी, कौन सी प्रोफेसर थे कॉलेज के? प्रोफेसर कॉलेज के थे, तो ये हाजिरी लगाने के चक्कर में जल्दबाजी कर रहे थे, तो जब जल्दबाजी कर रहे थे जैसे ग्रीन बत्ती हुई तो टच हो गया होगा हल्का, बड़ी गाड़ी शीशा टच हुआ था, तो इन्होंने इस बात का एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, और कार्रवाई के लिए भी मतलब आगे भी नहीं जाना चाह रहे थे, यही कह रहे थे मुक्के भाई हो जो यहाँ ठीक हो गया।